फ्रेंड्स, शॉटगन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज फायरिंग की वीडियो बना रहे हैं हम, और ये हमारा टारगेट है। पांच फट्टे हैं, 1 2 3 4 5 लकड़ी के, 5 तख्ते, और काफ़ी मोटे हैं ये, कोई पतले नहीं है। इनको हमने नंबरिंग की हुई है, और इसके ऊपर हम आज स्लग चलाएंगे। पहले ये शक्तिमान का हॉलो पॉइंट चलाऊंगा मैं। हॉलो पॉइंट स्लग होता है मिनिमम पेनिट्रेशन के लिए और मैक्सिमम एनर्जी टारगेट के अंदर छोड़ने के लिए। और स्फेरिकल बॉल होता है वो टारगेट, वो ज़्यादा बहुत तेज़ी से जाता है और सारी ज़्यादातर वो क्रॉस कर जाता है। मैक्सिमम पेनिट्रेशन के लिए होता है स्फेरिकल बॉल, और हॉलो पॉइंट यूज़ होता है जहाँ पेनिट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। इसको हमें किसी एयर गन की वीडियो में बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज हमारा फायरिंग वीडियो है। हम ये देखेंगे कि कितने तख्तों पर ये जाकर रुकता है, कितने तख्तों पर रुकता है। और गन है मेरे पास, मेरी 12 गेज शॉट गन, काफ़ी पुरानी गन है ये। चोक बैरल है 18 mm आगे से, और स्लग ईजली इससे पास नहीं होता है, तो चोक बैरल से स्लग फायर करेंगे आज हम। और ये हॉलो पॉइंट मैंने इसमें डाला, और 15 मीटर से फायर करूंगा मैं। तो शक्तिमान का हॉलो पॉइंट फायर कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है। ये इम्पैक्ट इफेक्ट है, नजदीक आओ। यहाँ बिल्कुल गोल होल दिया है इसने, बड़ा प्यारा, बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह। लेकिन यहाँ देखो ये एक्सपेंशन होती गई इसकी, अब यहाँ से ज़्यादा फाड़ा है, ये एक्सपेंशन हुई, ये टुकड़ा अलग कर दिया इसने। ये देखो ये बढ़ता जा रहा है पीछे को, और यहाँ से आगे नहीं गया है, ये एक्सपेंड हुआ है इतना। तो जितना ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा, कुछ मैंने ये सुना था ये टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके टुकड़े तो नहीं हुए यहाँ पे। अगर कोई टुकड़ा गिरा हो यहाँ पे तो ऐसे मेरे को कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा, ये साबुत ही है स्लग अभी तक, और गर्म है ये, तो इतनी एक्सपेंशन हुई है इसमें। लेकिन पेनिट्रेशन सिर्फ हुई 1, 2 और 3 तख्ते ने इसको रोक लिया है। तो ये थी शक्तिमान का हॉलो पॉइंट। अब स्फेरिकल बॉल चलाएंगे उसी टारगेट के ऊपर, वही 5 तख्ते हमारे उसी पैटर्न में रखे हुए हैं। और ये स्फेरिकल बॉल जो पिछली वीडियो मैंने खोल के दिखाया हुआ था, इसको मैंने बॉल फिर से अंदर डाल दिया है, और ये मैंने इसको अपनी शॉटगन में डाला, और ये फायर के लिए रेडी है। पिछला फायर मैं थोड़ा जल्दबाजी में किया, थोड़ा नीचे लगा था, इसको थोड़ा रुक के मारता हूँ, देखता हूँ इस ग्रीन वाले पर लगता है कि नहीं लगता है। चश्मा लगा लेता हूँ सिक्योरिटी के लिए आँखों के ऊपर। इसकी आवाज़ पहले वाले से ज़ोरदार थी और झटका काफ़ी लगा मेरे को, क्योंकि मैंने बताया था स्फेरिकल बॉल चोक बैरल में, जो यहाँ चोक होती है यहाँ जाके रुकता है ये, क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है ये, तो काफ़ी मुझे यहाँ झटका लगा गन का। आप वीडियो में शायद देख सकते होंगे कितना रिकॉइल था, और इसका डैमेज देखते हैं जाकर। लगभग टारगेट के बिल्कुल पिन पॉइंट पर तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा नीचे लगा है, उसके हिट हुआ है। तो ये यहाँ हिट हुआ है, यहाँ नहीं कर सका हिट, मैंने यहाँ हिट किया है थोड़ा, हो सकता है निशाना गलत लगा हो, क्योंकि इस गन से मैंने इतने स्लग चलाए नहीं है, ज़्यादातर मैंने इसमें बर्ड शॉट चलाए हैं। तो ये यहाँ हिट हुआ है एक फट्टा, ये दूसरा फाड़ा इसने, ये तीसरा फाड़ा इसने, ये पेनिट्रेशन बता रहा है। जबकि यहाँ अगर हम इसके पीछे का डैमेज देखेंगे, ये स्मूथ है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा है ये। तो जब किसी बैडमैन पे या किसी जानवर से बचाव में जब इसको चलाया जाता है, तो ये एक्सपेंशन की वजह से जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको ज़्यादा डैमेज करता है, कोई भी हॉलो पॉइंट जो होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में फ़र्क है, ये पहला फट्टा है, ये हमारा हॉलो पॉइंट था, और ये स्फेरिकल बॉल है ये, और ये दूसरा, ये हॉलो पॉइंट और ये स्फेरिकल बॉल का। ये देखो यहाँ हॉलो पॉइंट ने फाड़ता गया ज़्यादा, ये इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हुई है, इसकी एक्सपेंशन कम हुई है, लेकिन पेनिट्रेशन
यहाँ रुक गया था तीसरे पे आके हमारा स्लग, लेकिन इसने इसको भी क्रॉस किया है, फिर इसको भी क्रॉस किया है, और फिर इसको भी क्रॉस किया है, और ये मिल गया नजदीक ही मिल गया, बिल्कुल वैसा का वैसा है ये, कोई इसकी शेप में फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं दोबारा से किसी भी कार्ट्रेज में डाल, किसी भी कार्ट्रेज का छरे निकाल कर उसको चला सकता हूँ, बिल्कुल भी एक्सपेंशन नहीं हुई है इसमें। और जो पहले वाला मैंने चलाया था तो ये स्फेरिकल बॉल हॉलो पॉइंट फटे ऊपर नीचे नहीं हो गए, नहीं हाँ ये सॉरी उल्टा लगाया है, ये हॉलो पॉइंट और ये स्फेरिकल बॉल, ये हॉलो पॉइंट स्फेरिकल बॉल, जूम करना थोड़ा, ये हॉलो पॉइंट स्फेरिकल बॉल, यहाँ स्फेरिकल बॉल पर ये हॉलो पॉइंट, ये स्फेरिकल बॉल, यहाँ तो इसका काम खत्म हो गया, फिर ये चला स्फेरिकल बॉल, फिर ये चला, फिर ये गया। तो पेनिट्रेशन तो ठीक है, लेकिन अगर अगर किसी बैड मैन पर हमने इसको चलाया और ये उसके बॉडी से पावर निकल गया, किसी वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगा या किसी जानवर के ऊपर चलाया सेल्फ डिफेंस में, अगर पावर निकल गया, एनर्जी इसकी बाहर चली गई और वाइटल ऑर्गन को इसने पेनिट्रेट नहीं किया, तो वो आदमी फिर खड़ा होकर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसको हम देखें, जब ये बॉडी के अंदर ही रह गया, तो हॉलो पॉइंट बुलेट का जो यूज़ होता है, आर्मी उसका यूज़ नहीं करती है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ पर कि उग्रवाद से उनका मुकाबला करना हो, वहाँ वो उन बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा आगे चल के, कि जब किसी कमरे के अंदर बंद फाइट चल रही है जहाँ ज़्यादा पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हॉलो पॉइंट बुलेट यूज़ होगी। ये ऐसा ना हो कि दूसरे कमरे के दरवाजों को फाड़ते हुए या कहीं और बुलेट निकल के किसी और जो बंधक बनाए हैं उनको नुकसान पहुंचा दे जाकर। तो ये एक्सपेंशन देख सकते हैं आप, ये हॉलो पॉइंट की एक्सपेंशन थी, स्फेरिकल बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल फर्क नहीं है। लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल रहे हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे कहा था कि इसका फायरिंग का वीडियो बनाओ स्लग्स का, तो नेक्स्ट टाइम हम एक और वीडियो बनाएंगे स्लग का, तो तब तक के लिए थैंक यू।